छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी सूरज के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। गर्मी के तीखे तेवर से लोग काफी परेशान हैं। कई जिलों में हीट वेव जैसे हालात हैं। मुंगेली में 42 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। इधर रायपुर में सीजन में पहली बार 40.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के दुर्ग और बिलासपुर संभागों के मैदानी इलाकों में भी तापमान बढ़ा है। उत्तर पश्चिमी हवा से पारा लगातार बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में भी लोग काफी परेशान हो रहे हैं इस भीषण गर्मी से। लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तीखे तेवर सूरज के बढ़ रहे हैं, उससे लोग परेशान हैं। और खास तौर पे जिनका यात्रा करने का ज्यादा काम है वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। लोग गन्ने का रस पीकर, नींबू रस पीकर जैसे तैसे इस गर्मी से, इस तीखे सूरज के तेवर से सामना कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में तापमान 38-39 डिग्री के पार पहुंच गया। कई जिलों में लू चलने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, जाहिर है अभी अप्रैल महीने की शुरुआत भी नहीं हुई है और मौसम जिस तरह से बदला है, सूरज के तीखे तेवर जिस तरह दिख रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं। मौसम विभाग का और क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल अभी ये गर्मी जो है और बढ़ेगी, तापमान में और वृद्धि जो है अभी होगी, क्योंकि अभी मार्च महीना ख़त्म नहीं हुआ है, दो दिन और अभी शेष बचे हैं। लेकिन जो गर्मी है वो अप्रैल और मई जैसे हैं। जिस तरह से उत्तर और पश्चिम तरफ से जो गर्म हवा आ रही है उसके कारण प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ते जा रही है। आपको बता दूँ, प्रदेश में लगभग अधिकांश जिले में पारा 40 के पार पहुँच गया। अगर हम राजनांदगांव की बात करें, बिलासपुर की बात करें, तो वहाँ पर पारा 40 के पार है। दुर्ग में 39, रायपुर में भी 39 डिग्री पहुँच गया। अभी सुबह का 9 बजा है, लेकिन अभी ये धूप जो है वो चुभने लगे हैं लोगों को। बढ़ती तेज गर्मी से जो है लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लोग बिना स्क्रैप के घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और 12 से अगर हम 3 बजे की बात के बीच करें तो जो सड़कें भरा हुआ दिखता था वो सड़कें अब खाली हो गई है, क्योंकि गर्मी का सितम जो है अब वो लोगों पर ढहना शुरू कर दिया है और धूप जो है चुभने लगे हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिक कहना है कि जो तापमान है वो लगातार बढ़ते ही जाएगा। गर्म हवा जो है उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है, इसके कारण आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में और वृद्धि होगी। मतलब ये साफ है कि गर्मी से राहत अभी लोगों को नहीं मिलने वाली है, तापमान लगातार बढ़ेगा और धूप भी जो है चुभना शुरू हो गया। इसलिए अब लोग भी जो है घरों से बहुत कम निकलें। अगर कुछ ज़रूरत है तभी लोग जरूरी है तभी लोग घर से बाहर निकलें, तो अपने घर में ही समय बिता रहे हैं। चूँकि गर्मी का सितम जो है अब 7 रुपये देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं तापमान जिस तरह से 40 डिग्री पहुंच गया, राजधानी रायपुर का भी 40 डिग्री पहुंच गया, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में गर्मी जो है और पड़ने वाली है और लोग इससे परेशान होने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कुलेश्वर इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसम विभाग का कहना है कि जैसा कि हमारे संवाददाता कुलेश्वर बता रहे हैं, अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और गर्मी के तीखे तेवर इसी तरह अभी लोगों को और परेशान करेंगे।